गुवाही के लिए इस्तेमाल करे। आमीन आमीन। आज का जो फ्राइडे है वो किसके हवाले से है? रूह कुद्दस के हवाले से है। और मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, इससे पेश करके मैं कलाम सुनाऊँ। आप सब लोग गौर से तवज्जो से सुने, मैं दुआ करने लगा हूँ और आप लोग भी मेरे साथ दुआ करें। सब दुआ में झुके। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। अरे खुदावन खुदा, मेरे दिल के ख्याल, मेरे दिल के सोच तेरे जोर पर कबूल ठहरे। हम सुनते हैं कि कलामे मुकद्दस आज मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। अगर आप मेरे साथ उसकी माल पहला बाप और उसकी जो है पहली हम पढ़ेंगे आयत से, तीन आयत से लेके पांच वर्ष तक, रसूलों के इमाद चैप्टर वन स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 3-5। यहां यू लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप को उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओ। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कहे, जैसा तुमने मुझसे सुना, जैसा लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसका तालुक पुराने अहदनामे से चला रहा है। और अगर एक हवाला और पढ़ लें, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3:3, मुकद्दस यूहन्ना की जील 3:3 है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। नहीं सकता। तो अब ये चीज अपने जेल में रखें और ये सारे मजमून को अपने जेल में रखें और इन्हीं के ऊपर हम अपनी बुनियाद को, इमारत को आगे चल के ठाएंगे। और इसके साथ एक वादा और पढ़ लेते हैं, फिर हम कलाम को आगे बढ़ाएंगे। इमाल 2 उसकी पहली 4 आयत हम पढ़ेंगे। इमाल 2 उसकी पहली चार आयत। जब ईद पेंतेकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया, प्रेज गॉड। और आपको मालूम है कि रूह कुद्दस हासिल करने से पहले वो कितने दिन तक दुआ में ठहरे थे? किसी को याद है? हाउ मेनी डेज दे आर सिटिंग इन प्रेयर टू रिसीव द होली घोस्ट? हाउ मेनी डेज? 10 तक वो दुआ में ठहरे रहे। लिखा है खुदावन ने, और इसका मैं हवाला आपके सामने पढ़ देता हूं, एक्ट चैप्टर 1 और उसकी 12-13 आयत तक। और जब उसे दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो रन पत्रस और यूहन्ना और यकूब और इदरियास और पेत्रस और थोमा और बर्तमानी और मत्ती और अल्फी का बेटा यकूब और शमाऊ जेलोतिस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिन होकर दुआ में मशगूल रहे। थैंक यू। तो अब
ये कितने लोग हैं? 120 की जमात है। अगर आप 15वीं आयत पढ़ें तो 120 की जमात में मुकद्दसा मरियम यसू की माँ भी रूह कुद्दस के लिए मतमंजी थी, और उसको भी रसूलों के साथ मुकद्दसा मरियम को भी पाक रूह मिला। तो मैं ये पॉइंट आप लोगों के सामने रेज करना चाहता हूँ कि खुदावंद पुराने अहदनामे में खरूश 23 बार उसकी 15 आयत है। खुदावंद ने कहा था तो साल भर में मेरे लिए 3 ईदे मनाना। 3 ईदे खुदा का हुक्म था। नंबर 1 ईदे फसा, और नंबर 2 ईदे पेंटिकोस्ट, और नंबर 3 ईदे क्याम। तो ये 3 ईदे थी। हवाला आप नोट कर लें और फेसबुक पे डाल दें, जो बहन भाई डाल रहे हैं। और मैंने बताया आप लोगों को खरूज 23 बाब उसकी 15 है। तो आजकल जो जितने पंपलेट आप लोगों ने पढ़े हैं, जो आप लोगों की नजर से गुजरे, ईद पेंटिकोस लिखा हुआ है। तो अब ईद पेंटिकोस हम नहीं कहेंगे, जो मेरे मैंने आप लोगों को भेजा और कितने लोगों ने मेरा पढ़ा था, मेरी पोस्ट कितने लोगों ने पढ़ी थी, हम तवज्जो तो सुनते नहीं। मैंने कितने लोगों को पोस्ट भेजी, तो मैंने नज़ूले रूह कुद्दस लिखा था, ईद पेंटिकोस नहीं लिखा था। और ईद पेंटिकोस जो लफ्ज है उस जिनानी लफ्ज से मुश्तक है जिसका मतलब है 50वां। आप सबकी तवज्जो चाहिए। ईद फसा के 50वें दिन बाद ईद पेंटिकोस मनाया गया था। और ईद फसा का तालब जो है यहूदियों ने केंद्र खुदा ने राइज किया मिस्र की गुलामी से आजादी के बाद। और ईद फसा की तकमील जो है, क्योंकि वहां बेऐब बर्रा ज़बह करना था, तो मसीह यसू वो बेऐब बर्रा था जो सलीब पर कुर्बान हुआ मेरे और आपके लिए। तो अब हमें मसीहों को ईद फसा मनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मिशने, बहुत सारे लोग आज भी हमें ईदे मनाने के लिए जोर देते हैं। तो अगर ईदे ही मनानी थी तो फिर यसू के आने का क्या मतलब है? तो यानी पुराना अहदनामा यसू में पूरा हो जाता है। तो ये बात अपने जहन में रखें। लेकिन मैं और आप ईद पेंटिकोस के दिन जितने भी लोग पंफलेट में आपने पढ़े या अपनी नजर से गुजरे, ईद पेंटिकोस लिखा होगा। तो अब हम ईद पेंटिकोस नहीं मनाते। गौर से सुनिए, जितने मुझे फेसबुक पे भी सुन रहे हैं और यहाँ बैठे भी सुन रहे हैं, अगर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर कोई क्वेश्चन तो आप नोट कर ले, आप बाद में पूछ सकते हैं। तो अब हम ईद पेंटिकोस के दिन लिखते के ऊपर इश्तिहार ईद पेंटिकोस है, और कलाम किसके बारे में देते हैं? आप क्या बोल सकते हैं? रूल ऊपर देते हैं भाई, इसलिए कि ईद पेंटिकोस किस दिन फुलफिल हुई, मुकम्मल हुई, जिस दिन पाक रूह नाज़िल हुआ। तो अब हमें ईद पेंटिकोस नहीं मनानी। ईद पेंटिकोस कौम बनी इसराइल मनाती। अब इतने हवालात मेरे पास हैं कि इनको बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप एक हवाला पढ़ लें, नंबर से गिनती 28 बाब उसकी 26 है, बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक हवाला आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। तो 50वें दिन का लिंक जो है मैं बताने लगा हूँ, जैसे वहां पर ईद फसा के बाद ईद पेंटिकोस जो है 50वें दिन मनाया गया। और अब हम हमारा जो जब यीशु मसीह जी उठा, तो जी उठने के 50वें दिन, वो भी 50वें दिन और ये भी 50वें दिन हमने हम रूह कुदस नाज़िल हुआ। तो 40 दिन का खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद लोगों को नजर आता रहा। अब क्या? हाँ पढ़े। और पहले फलों के दिन जब तुम नई नजर की कुर्बानी हफ्तों की ईदे खुदावंद के हजूर गुजरा हो, तब भी तुम्हारा मकसद मजमा हो, मुकद्दस मजमा हो, उसमें कोई फालतूमाना काम मत करना, बल्कि उन सोतरी कुर्बानी के तौर पर दो बछड़े, एक मेंढा और 7 यकसाना नर बलि गुजरा, ताकि ये खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू हो। और इनके साथ नजर की कुर्बानी के तौर पर तेल मिला हुआ मैदा 3 बछड़ा एल्फा के 3 तिहाई हिस्से के बराबर और 3 मेंढा 5 हिस्से के बराबर। बस बस बस, यहाँ पर इस ईद को जो है हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। और एक वाला हम और देख लेते हैं,
कलामे मुकद्दस में से, जैसे मैंने बताया जी हफ्तों की ईद भी खिलाती थी और पहले फलों की ईद भी खिलाती। अभी मैं इस राज को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पहले फलों की ईद भी खिलाती थी, नजर की नई नजर की कुर्बानी या ईद भी खिलाती थी। एक वाला और देख लें, अबार 23 बाप उसकी 15वीं है, अबार 23 बाप उसकी 15वीं है। और तुम सबत के दूसरे दिन से जिसे दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओ के गिनना शुरू करना जब तक 7 सबत पूरे ना हो जाए, और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना, तब तुम खुदा के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजरना। हाँ, तो मैंने ये बताया कि इसके 3 मजीद नाम थे, पहले हफ्तों की का पहला वाजाबा बता दिया, और फिर नई नजर की कुर्बानी, और पहला पूला, और 50वें दिन 7 सबत गिन लेना, और अगला दिन जो है। तो ये ईद फसा के बाद ईद पेंटिकोस्ट को बनी इसराइल मनाया कर, और अपनी फसल के पहले फल खुदा की नजर किया करते थे। और इसी तरह जब पाकरू नाजल हुआ तो यसु मसीह ने कौन से पहले फल पेश किए, कोई आप लोगों में से बता सकते हैं? मसीह यसु ने कौन सा पूला, कौन सा पहला फल खुदा के सामने पेश किया? जब उन पर खुदा का मसा आता था, इसी तरह मसीह यसु ने 12 शिगिर्दों को, वेरी गुड, 12 शिगिर्दों को खुदावन के सामने पेश किया, ये पहले फल थे। और खुदावन खुदा भी ये जाता है कि जब वो फसल काटते थे तो फसल काटने का जो पहला पूला होता था या पहली फसल होती थी, बल्कि पूरी की पूरी पहली फसल को वो क्या करते थे, खुदा के नाम देते थे। मैंने 2 हवाला जात आप लोगों से पहले शेयर किए हैं, 2 मैसेजेस जिसमें मैंने कहा था कि अपनी रोटी पानी में डाल दे तो बहुत दिनों के बाद तो उसको पाएगा। ये बड़ा मजबूत, पूरी काफी कलीसियों में काफी लोगों ने सुना और उन्होंने जवाब भी आए। ये बड़ा मुश्किल मैसेज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और उसके बाद नाराजगी की दौलत का मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था। तो मैंने बोल दिया था कि हम आप इस नाराजगी की दौलत को, जो हमारी कमाई है उसका 10वां हिस्सा, जैसे वो फसल की कटाई का पहला हिस्सा, जिमीदार आज भी फसल कटाई का जो है, जो गांव के अंदर लोग हैं वो अपनी गंदम का, जौ का, दूध का, हर चीज का जो है वो शुक्रगुजारी का जो संडे होता है उसमें पेश करते हैं। तो मैं और आप, हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी सैलरी, तो सैलरी में से 10वां हिस्सा ये हमारा नहीं है, ये खुदावन का, ये पहले फल, पहला सर्वस की जो पहली, जो हमारी मंथली इनकम है वो पहला पूला है। तो हम घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ उस हदीये पर दुआ करें और उसको खुदा के लिए मखसूस कर दें, और खुदा पे देखना किस तरह में बरकतों पर बरकते देता है। बेशुमार हमारी पास ऐसी गवाहियां मौजूद हैं कि जब हम खुदा के लिए देते हैं तो खुदा उससे कहीं बढ़कर हमें देता है, और ना सिर्फ हमें देता बल्कि हमारी तमाम जरूरियात की जिंदगी को भी अपने खजाना के हाथ से क्या करता है, पूरा कर देता है। और आज जब मैं खुदा के दूर झुका हुआ था तो खुदा ने कहा कि आज मैं ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर लोगों को शिफा दूंगा बल्कि रूहानी तौर पर भी लोगों को शिफा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने दिल में दुआ करें, और कलाम को सुनने से भी पाकरू मिलता है। अगर आप देखना चाहें इमाल 10 बाप उसकी 44 है, इमाल 10 बाप 44 है, लिखा है कि जब पतरस कलाम सुना रहा था तो जितने गौर से सुन रहे थे, कान लगा के सुन रहे थे, याद क्या कि रूह कुदस पर नाज़िल हुआ, दे आर ऑल फिल्ड विद माइटी पावर ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया, कैन यू क्लैप फॉर जीसस? हालेलुया, पूरा वाला जी, हालेलुया, दे आर ऑल फिल्ड विद माइटी पावर ऑफ होली स्पिरिट, और सब गैर ज़बानें बोलने लगे। एक और वाला इमाल 4 बाप उसकी 31 है, लिखा है कि शिगिर्द जो है लोगों के डर की वजह से एक जगह बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे, तो कह रहे खुदा ने इनकी धमकियों को देखा, इनकी बातों को देखा, तो लिखा है कि जब शिगिर्द दुआ कर रहे थे, दुआ कर चुके,
तो लिखा है कि वो जगह जो है खुदा का मसा इसके अंदर नाजर हुआ कि वो न्यू उस घर की न्यू हिल गया और वो सब लोग चार बाप पढ़ ले उसका इमार चार बाप 33 है। तो लिखा है कि वो भी रूल कुदरत से भर के जब वो दुआ कर चुके हाँ तो जिस मकान में जमा थे हाँ ठीक है ठीक है तो अब हमने देखा ये दुआ का नतीजा। अगर आपने तैयारी की है तो वेलन गुड, अगर तैयारी तैयार नहीं है तो आप कलाम सुनते सुनते भी तैयार हो सकते। जो मैं पोस्ट आप लोगों को भेजता हूँ वो थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, मैंने पूरा हफ्ता इस मैसेज के ऊपर तैयारी की है और तैयार होने के बाद फिर मैं तैयारी के साथ आप लोगों के पास आप सामने आता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रूहुल कुद्दस अभी हमें ईद पेंतेकोस्त नहीं मनानी, ठीक है जी, और जो लोग ईद पेंतेकोस्त लिखते हैं उनसे ये आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ईद पेंतेकोस्त हमने क्यों लिखा है। हमें अपने इश्तिहार जो आप बनाते हैं उस पर ईद पेंतेकोस्त नहीं लिखना, क्या लिखना है नज़ूल रूहुल कुद्दस, क्योंकि ईद पेंतेकोस्त तो मुकम्मल हो गई लेकिन हमें पता नहीं है। जब एक डॉक्टर से इसी हफ्ते मेरी बात हो रही थी तो वो कहता ब्रदर जी पहली दफा मैंने आपसे सीखा था, वो मुझसे भी बड़ा है या मेरी उम्र के बराबर होगा, तो कहते हैं कि ये नुक्ता तो आज तक आप ईद पेंतेकोस्त से सुनते आए हैं लेकिन आज पहली दफा मुझे पता चला है कि ईद पेंतेकोस्त नहीं बोलना नज़ूल रूहुल कुद्दस बोलना है। तो और भी उसने बहुत सारी बातें की लेकिन मैं अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, मैं खुदा के कलाम को प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। कलाम का आगाज रूहुल कुद्दस से होता है, हालेलुया। कैसे पता चलता, पुराने आदरणीय की किताब चैप्टर 1:2 लिखा है कि जमीन के ऊपर सारा गहरा होता अंधेरा था और पाक खुदा का पाक रूप पानियों की सतह पे क्या करता था, हालेलुया। बाइबल का आगाज रूहुल कुद्दस से होता है, बाइबल का एंड भी रूहुल कुद्दस से होता है। क्या आप लोगों को पता है नए आदरणीय की आखिरी किताब कौन सी है, मकाशवा 22:17 है। जो भाई फेसबुक पे डाल रहे हैं वो फेसबुक पे डालते रहे, जो यहाँ है वो डाले, जो मुझे बाहर से सुन रहे हैं वो भी डाले और दूसरों को भी अनुमानित करे, जो आपके वसीला चाहेंगे उनको बरकत मिलेगी। और मैं ये भी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं फेसबुक में भी वो भी रूहुल कुद्दस हासिल करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट सोर्स ऑफ द होली स्पिरिट, सोर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट और खुदा इसका मंबा है। तो रूहुल कुद्दस उसने देना, जब मैं बोल रहा हूँ तो खुदा का रूह आप अब महसूस करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कि खुदा जिस तरह तूने कर्नीलियस के घराने को बरकत दी, सबसे पहले खुदा ने यहूदियों को बरकत दी, पहला बाप दिया और दूसरा बाप, यहूदियों के बाद किन को बरकत मिली थी, सामरियों को बरकत मिली, सामरियों के बाद किन को बरकत मिली थी, लिख लीजिए सारी बातें, सामरियों के बाद किन को बरकत मिली थी, रूमियों को बरकत मिली थी, कर्नीलियस या रोमी था, और उसके बाद यूनानियों को बरकत मिली, वाला कौन सा है, इमाल 19 बार। तो चार मुख्तलिफ कौमों को पात्र मिला। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, ये वीडियो आपके पास मौजूद है, आप दोबारा लगा के सुन सकते हैं। तो मैंने बताया कि बाइबल का आगाज रूहुल कुद्दस हुआ, बाइबल का एंड रूहुल कुद्दस से हुआ और इस बीच में जो है 350 बार लफ्ज रूहुल कुद्दस आया है, पुराने ऐहदनामे में 90 बार 90 टाइम और नए ऐहदनामे में 260 बार 260 टाइम 260 बार नए ऐहदनामे में रूहुल कुद्दस का जिक्र आया है। अब हम ये देखते हैं कि रूहुल कुद्दस का जो मजमून है ये इल्मे इलाहियात में बहुत अहम मजमून और अहमियत रखता है ये मजमून, लेकिन आप सब जानते हैं, सब बड़ी कलीसिया कह ले या पेंतेकोस्त कलीसिया कह ले, हम जिस भी कलीसिया के साथ हमारा तलक है, चर्च ऑफ पाकिस्तान या कैथोलिक चर्च, दो बड़ी ये मिशने हैं, उसके बाद पेंतेकोस्त आ जाते हैं, तो हमने हफ्ते साल में एक दिन पाक रूप लिए रखा हुआ है, यानी जिस दिन ईद पेंतेकोस्त हमारे खादम भी पास्टर भी और बिशप साहबान भी ईद पेंतेकोस्त ही लिखते हैं, तो पेंतेकोस्त के दिन जो है साल में एक बार इबादत होती है। हमें ये मजमून धराते रहना चाहिए, ये जरूरत है
आगे चल के मैं बताऊंगा, वक्त मेरे पास थोड़ा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि खासकर बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो रूल कुदस के मजमून को इब्लीस ने कलीसियों के अंदर लड़ाने की बड़ी कोशिश, खास तौर पर गैर जबानों पर। बहुत सारे कहते हैं कि रूल कुदस की जरूरत नहीं है, बस अडल्ट बैप्टिज्म काफी। जब हम अडल्ट बैप्टिज्म लेते हैं तो रूल कुदस मिल जाता है। नो नो नेवर। वो आगे चल के इनके सारे जवाब मैं दूंगा। फिर भी अगर कोई आप लोगों का सवाल रह जाए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस। मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मेरा खुदा इस काबिल है कि हमारे सब सवालों के जवाब दे। और जब हम फेसबुक पे सुन रहे हैं, अगर आप लोगों का भी कोई सवाल हो तो आप लोग भी भेज सकते हैं, क्योंकि आज ये इबादत हमने इसलिए रखी है। मैं खुदा के सामने झुका रहा, आंसू बहाता रहा और इस मजमून की तैयारी करता रहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि गैर जबाने एक निशान है। आप लोगों का क्या ख्याल है, गैर जबाने निशान है या क्या है? गैर जबाने निशान नहीं है, बल्कि क्या है? नेमत। अगर आप पढ़ना चाहें, पहला करंथियों 12 बाब 4 से 11 आयत तक लिख ले, 9 नेमतों का जिक्र है और आखिर में रूल कुद्दस की नेमत का जिक्र है। नहीं, लंबा हो जाएगा वाला। तो अब ये नेमत मैंने बता दी आप लोगों को, और दूसरा छोटा वाला जो निकाल के आप रखें, जो इमाल 11 बाब 17 आयत है, मैं आप बता रहा हूँ कि ये निशान नहीं है बल्कि ये एक नेमत है। तो 9 नेमतों में से एक नेमत क्या है? पाक रूह है। और गैर जबाने और गैर जबानों का तर्जमा कलाम ये कहता है कि बहुत सारे लोग गैर जबानें बोलने से मना करते हैं और ये सवाल भी उठाते हैं कि जब पहली दफा पाक रूह मिला था तो 12 ममालिक से लोग आए थे, शिगर्द बोल रहे थे, अपने अपनी जबानी बोल रहे थे, इसलिए हम मना करते गैर जबानें नहीं बोलो। तो ये मतलब नहीं है। अगर आप पहला करंथियों 14 बाब उसकी 2 आयत पढ़ दी, पहला करंथियों 14 बाब 2 आयत, तो जो लोग गैर जबानें बोलने से मना करते हैं, मैं उनको ये हवाला देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से। हाँ, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीले से भेद की बातें कहता है। हालेलुया, हालेलुया। Can you clap for Jesus? हालेलुया। प्रेज़ गॉड चाहो करो। तो हम उन लोगों को मना कर रहे हैं जो भेद की बातें कर रहे हैं। अपनी तरक्की के लिए आप गैर जबान में दुआ किया करें, लेकिन जब आप अकेले हो, जब आप मजमा में बोलना चाहते हैं, तो फिर आप गैर जबान भी बोलें और गैर जबान का तर्जमा करना भी सीखें। अगर ये मुझे सबसे पहले पाक रूह मिला और उसके बाद मैंने 2 महीने के बाद मुझे गैर जबानों के तर्जमे की नेमत भी मिल गई, मैं खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ उसकी तमजीद करता हूँ इस बात के लिए। तो अब हमने ये देखा कि पाक रूह जो है कि तालीम, कुछ लोग कहते हैं कि गैर जबाने बोले ना, और कुछ लोग कहते हैं कि गैर जबाने एक निशान है, निशान ही बल्कि ये क्या है? नेमत है। कुछ कहते हैं बोले, कुछ बोलने से मना करते हैं, और सूरी की लिया तो कहती है कि अगर कोई गैर जबाने नहीं बोलता उसको पाक रूह नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, ये एक नेमत है। 9 नेमतों में से एक नेमत है। तो क्योंकि इस आसानी से पता चल जाता है कि पाक रूह इसको मिल गया, गैर जबान मिल गई, हो सकता है कि उस दिन जब आप आगे आए तो आपको कोई और नेमत मिली हो, तो उसका जहूर कुछ दिनों के बाद होता है बाकी नेमतों का। तो इसी तरीके के साथ साथ जो है, जब हम कोई गैर जबान बोलता है तो फौरन उसको आम लोगों को पता चल जाता है कि इसको पाक रूह मिल गया, सिर्फ ये फर्क। तो उसके बाद हम ये सीखते हैं कि कलामे मुकद्दस में से रूल कुद्दस कौन है। दूसरा सवाल हमारा है कि रूल कुद्दस कौन है। मैंने क्या का लफ्ज नहीं बोला, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कौन कौन, ये शख्सियत को जाहिर करता है। रूल कुद्दस एक शख्सियत है और ये शख्सियत रूहानी शख्सियत है और ये इससे हम राबता कायम कर सकते हैं। और ग्रीक में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो पाकलिस्तास इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब वो एक तो हमारे पहलू में दिल के पास है, खड़ा होने के लिए बनाया गया है। इसलिए कहते हैं कि तन्हाई का दोस्त पाक रूह है। जब आप तन्हाई में होते हैं तो आप गैर जबानों में दुआ करना शुरू करते हैं।
तो मुझे इसका बहुत एक्सपीरियंस है। जब मुझे बाथरूम मिला एक रात, मेरा डायरेक्ट पुलिस के साथ अटैक हुआ, मैं अकेला था कमरे में, और उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कि मुझे पात्रू कहता है कि डोली खाता है, मैं अपने चाचा के पास भाग गया। मैं उठ के तैयार भी हो गया और फौरन पात्रू ने कहा कि अगर रास्ते में तेरा स्कूटर उल्टा कर दिया तो फिर तुझे कौन बचाएगा, उस दिन ना हो या ठहर जा। अब वैसे दुआ तो होती रही थी, टांगे कांप रही थी, पता नहीं कितनी बड़ी ताकत मैंने लगा रखी, जो भी है तू सामने आ। तो उसके बाद अचानक मैं गैर जबानों में दुआ करता, मेरा कमरा रोशन हो गया। और वो दिन और आज का दिन है कि जिस तरह प्रधान ने मुझे पासबुक का मसा दिया, मैं दो दो तीन दिन फुट जंपिंग कर रहा था, बाहर गैर कौमें देख रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। इसका तरफ मुझे नहीं पता, मैं जमीन पर आसमान के, जरूरी नहीं कि हारे का तजर्बा ये हो। किसी को खामोशी से मिल जाता है, किसी को जो है वो पूरे तौर पर जुम्बश करते हैं, और ये मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। तो रूह कुदस और बाप और बेटे से साजर होता है। तो बहुत सारे लोग जो है बाप को भी निकाल देते हैं, रूह कुदस को भी निकाल देते हैं, तो कहते हैं कि सिर्फ जीसस ही पाकरू है, जीसस ही रूह कुदस है, जीसस ही बेटा है, जीसस ही सब कुछ है। तो ये वननेस के लोग जो है वो इस बात पे जोर देते हैं। मैं कहता हूं कि वो कलीसिया जो तसलीस फिर तहीद पर ईमान नहीं रखती, दे आर नो मोर क्रिश्चियन। तो कभी तसलीस के ऊपर मैं मैसेज दूंगा। तो यहां पर हमने ये सीखा कि तसलीस फिर तहीद का तीसरा अकनूम है, और इसकी आम अहम हसीयत है इल्म इलाहियात में, जो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और रूल कुदस को क्या कहा गया है, खुदा भी कहा गया है। अगर हम पढ़े इमाल पांच बाब, उसकी चार आयत, इमाल पांच बाब चार आयत, क्या जब तक वो तेरे पास थी। हाँ सही सही ठीक है, एक क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। हाँ यानी उस वक्त रूल कुदस की बात हो रही है, तो आपने रूल कुदस के हवाले से आगे लिखा, तूने क्यों जो है खुदा से झूठ बोला। तो रूल कुदस को खुदा भी कहा गया है, बाप बेटा रूल कुदस ये तीनों असली हैं, तीनों अवधि हैं, और तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन काम के लिहाज से हम इनको अलग करते हैं। लेकिन यह मेरा मजमून नहीं है इस वक्त, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी हमने दो सवालों पर गौर किया और आधा घंटा मेरा गुजर गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कुछ सीख के जाए, कुछ हासिल करके जाए। मैं जल्दी जल्दी खुद ही हवाले पढ़ता जाऊंगा। खुदा ने आप लोगों की दुआ से कि मुझे बरकत दिया, मैंने जब मुझे पाखरू मिला तो मैंने खुदा से कहा कलाम मेरे अंदर डाल दे, और खुदा ने वो कलाम मेरे अंदर डाल दिया। मैं जब पाखरू मिला तो मैंने एक ही नेमत मांगी कि मुझे पाखरू की कलाम सुनाने की नेमत दे। तो एक रात में सोया हुआ था, बारिश हो रही थी, मैं बाहर निकल के गया तो ऐसे रुई के गालों की तरह जैसे ओले गिरते हैं, तो मैंने अपने दोनों हाथ खाए तो मेरे हाथ में रुई बन गई, फिर छोटे छोटे दाने बन गए। तो खुदा ने कहा जवेद बेटा तूने कहा था मुझे कलाम खिला दे, मैंने कहा था खुदावंद यूहन्ना अरब तेरा को ज्यादा पुत्र है उन्होंने तू खिला दिया कलाम, हिजकिया को तूने यर्मिया को कलाम खिला दिया, तूने हिजकिया को खिला दिया, तो जवेद दिल को भी खिला देगा तो मैं भी तेरा कोई अच्छा ही काम करूँ। तो वो दिन और आज का दिन है, मैंने पूरी बाइबल जो है 48 टाइम पुराना ऐतनामा खत्म कर दिया है, और 48 में जो आगे मैं पढ़ रहा हूँ नए ऐतनामे में, और मेरी कोशिश है कि मैं 50 बार बाइबल को खत्म करूं, और मुझे भी पता मैं कब तक और मुझे खुदा जिंदगी देता है, और मेरी ये ख्वाहिश है जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बदन से ऐसी ही ताजीम होती रहे। हालेलुया प्रेज़ गॉड यहोवा। और इसके लिए आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब तीसरा सवाल है रूल कुदस पुराने ऐतनामे में, चौथा सवाल है रूल कुदस नए ऐतनामे में। अब मैं स्पीड पकड़ने लगा हूं, आप लोग अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लें और ज़हनों को खोल लें और तैयार हो जाएं। पुराने ऐतनामे का मैं हवाला दे रहा हूं, अज़ाया 44 वर्स नंबर 3। क्या लिखा है कि मैं खुशे की जमीन पर क्या करूंगा, प्यासी जमीन पर पानी अंडे लूंगा, और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। ये वादा तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद के साथ है। तो आप पढ़ लिया निकाल लिया है तो आप देख ले वादात लिख लें ताकि मैं टाइम को कवर कर सकूं। फिर दूसरा वादा इसकी 36 बार उसकी 26 है, क्या लिखा है कि मैं अपने रूह को
तुम्हारे ऊपर नाजिल करूंगा संगीन दिन निकाल के, जो यही लिखा बाइबल में, संगीन दिन निकाल के क्या करूंगा, गोश दिन दिल अता करूंगा, ताकि अपने आयन की तुमसे पैरवी कराऊं और तुम्हारी लौंडियों पर भी मैं रूह कुदस नाजिल करूंगा। हालेलुया, यानी आज हालेलुया खुदा बगैर ऑपरेशन थिएटर के हमारे दिलों का राज कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, मैं गोश दिन दिल निकाल दूंगा। हालेलुया, बगैर कट के, ओ हालेलुया रब पूरा बरसी, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, गोश दिन दिल निकाल दूंगा। एक बहन के पास 11 नंबर गली में मोहम्मदाबाद में मेरा मैसेज था, वो मैसेज के बाद ही मैंने कहा कि गवाहियां तो बताएं, तो उसने गवाही भी, जब ब्रदर जावेद दुआ कर रहा था, मैं चल दिया, कितनी बार रास्ते में बैठी, जब वो कलाम सुना रहा था मेरे दिल का परेशान हो गया। हालेलुया, डू डू दैट, तो खुदामंद खुदा आज भी ऐसे मुआवजे करता है, और खुदामंद खुदा आज आपकी बीमारियों का भी ऑपरेशन कर रहा है, ना सिर्फ हमारे दिलों के बल्कि हमारी बीमारियों का भी ऑपरेशन कर रहा है। जो बहन भाई हमें सुन रही हैं, वो भी अपने कलाम को अपने जिस्म में जाने से, और हम जरूर आज के कलाम से बरकत पाएंगे। तीसरा हवाला जोएल 2:28 है, क्या लिखा है, मैं आखिरी वक्त में हर फर्दो बशर पर अपना रूह कुदस क्या करूंगा, नाजिल करूंगा, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और बुरे ख्वाब देखेंगे, और ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से और दूर के लोगों के साथ। हालेलुया, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आखिरी एंड टाइम कब से आवाज हुआ, एंड टाइम का अभी मैंने बताया है, क्या लिखा, मैं आखिरी वक्त में रूह कुदस नाजिल करूंगा, यानी जब से रूह कुदस नाजिल हुआ है उससे अखीर वक्त का आगाज होता है, यानी 19वीं सदी के आगाज में रूह कुदस नाजिल हुआ था। यीशु मसीह जो है आसमान पर उठाया गया, तो उसके पहली सदी में के एंड में जो है रूह कुदस, बल्कि पहली सदी में ही रूह कुदस नाजिल हुआ। तो अब हम देखते हैं कि उस वक्त से लेके आज तक एंड एरा में हम चल रहे हैं, आखिरी वक्त में चल रहे हैं, और अभी भी हमें पता नहीं है कि मसीह यीशु ने कब आना है, लेकिन क्या करना, हमने हर वक्त तैयार रहना है। अब नए ऐतनामे में 14 पॉइंट जो है, नए ऐतनामे में कहां का खुदा ने वादा किया है, अगर आप यूहन्ना की झील 14 बाब उसकी 16वीं आयत पढ़ें, मैं चाहता हूँ चलो कुछ बच्चे भी पढ़ लें, 14 बाब उसकी 16वीं आयत, इधर मैं जबानी पढ़ता जाऊंगा, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, तो अब बेटा क्या कर रहा है, बाप को जलाल दे रहा है, और एक मतलब आता है कि बाप बेटा जो है वो बाप को जलाल देता है, दोनों एक दूसरे को जलाल देते हैं। शायद आपने ये वर्ड कभी पहले फिक्रा नहीं सुना, यहाँ पर दोबारा पढ़े, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा, थैंक यू, यहाँ मसीह यीशु बाप को जो है ऑनर कर रहे हैं। ये वाला कौन सा है, 14 बाब यूहन्ना के लिए 14 बाब उसकी 16वीं आयत, अब जो है 14:26 पढ़े, लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा, यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पर भी एक दूसरे को जो ऑनर दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा है कि जब रूह कुदस आएगा तो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, यानी वो बातें जो मैंने 3.5 साल रहकर तुम्हारे साथ की थी, तो वो बातें जो तुम भूल गए हो वो तुम्हें याद कराएगा। मैं जब कलाम की तैयारी के लिए बैठता हूँ तो मेरे पास कुछ लिखा नहीं होता है, कभी इधर से मुझे पाठ गाइड कर रहा है, ये वाला निकालो, ये वाला निकालो, तो ये उस वक्त होगा जब आप कलाम की आपको स्टडी होती है, आप कलाम को कई बार खा जाते हैं, और जबानी रेफरेंस याद करना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कि मेरे पास लिखे तो हुए हैं लेकिन पता नहीं कहाँ पड़े हुए, तो मैं जबानी आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। अभी मैंने 2 वाले बताए, कौन से 2 वाले बताए, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14:16, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14:26, अब गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 15:26, 15 बाब यूहन्ना की झील 15 बाब उसकी 26 है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से साबित होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। आमीन। अब एक आखिरी वाला नया ग्राम पहले पुराने ग्राम में गवाले बताए कि ये आनंद फान रूल को तो नाजिल नहीं हुआ,
और आखिरी वाला हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 7वीं आयत। आज थोड़ा सा खुशक मजमून है और मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब मैं बड़ी पते की बात करने लगा, तवज्जो फरमाएं जो फेसबुक पे हैं और यहां बैठे हुए हैं, यानी मेरा जाना तुम्हारे लिए क्या है, फायदेमंद है। अगर मैं जाऊंगा तो मैं उस मददगार को भेजूंगा, मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। हमने ये हवाला कहाँ पढ़ा था, 14वें बाब की यूहन्ना की 14वें बाब की 16वीं आयत में। तो पहला मददगार कौन है, मसीह यीशु है। हालेलुया। कैसे कहाँ लिखा है, कैसे हम साबित करेंगे, तो खुदा कह रहा है कि मैं दूसरा मददगार भेजूंगा। तो कहाँ, कौन से हवाले को अगर कोई आपसे पूछता है तो कौन सा हवाला आप बताएंगे, आप सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 और 2, यूहन्ना का खत उसका पहला बाब उसकी 1वीं और 2वीं आयत, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो दो बाब यूहन्ना रसूल का लेटर और उसका 2 बाब उसकी 1वीं और 2वीं आयत। कैसे याद, मैंने सही बोला। बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए देखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो पास बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, कौन मददगार मौजूद है, और यीशु मसीह पहला मददगार हो गया। तो पहला मददगार गया तो कहता मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मुझे कुछ हो रहा है, खुदा का मसल यहाँ पर कसरत से ठहरा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला जात मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, रूल को 5वां सवाल 4 सवाल तक मैंने आपको बताए। 5वां सवाल ये है कि रूल कुदस की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। नंबर 1, रूल कुदस के बगैर हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। भी मैंने वादा पहले पढ़ा था, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, निकोदिमस रात के वक्त मसीह यीशु के पास आया था। निकोदिमस को खुदा ने क्या कहा था कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना, तू खुदा की बादशाही में इसको देख नहीं सकता। तो मसीह यीशु तो जानता था ये पुराने अहद में ये यहूदियों का सरदार है और फरीसी है, इसने पुराने ऐतनामे का वाकफ होगा पुराने ऐतनामे, तो रूल कुदस से अभी मैं 3-4 हवाले बताए तो उसको पता होगा। नगर में कोरा सा, आज हमारे नाजमीन भी कितने मुबशरीन कोरे हैं, और नाम के बाइबल तो आता तो पकड़ लेते हैं चल पड़ते हैं खिदमत के लिए। तो खुदावंद खुदा चाहता है कि मैं जब तैयारी करके आता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे ऑडियंस या मेरी कांग्रीगेशन कोई मुझसे क्या सवाल कर सकते, मैं अगले सवाल के लिए भी तैयार होता हूँ। और उन सवालों को अगर जब मैं कलाम को इतना लंबा होता नहीं कर सकता पूरा, लेकिन वो पूरी तैयारी करके आता हूँ, अगर कोई सवाल करेगा तो उसका मुझे क्या जवाब है। तो ये तैयारी वो है जो खुदावंद खुदा हमें चाहता है। कितने आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं, कहना चीजों हैं, हालेलुया, सब जाना चाहते हैं, कोई भी जानना नहीं जाना चाहता। तो फिर हमने क्या करना है, आज भाई संजीदा हो जाएं, आंसू बहाएं। भाई अल्बर्ट प्रेजाइड कर रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे। खुदा तू आज क्या है काम कर, तेरा जबरदस्त मसा आज लोगों को छूए, बहुत सारे लोगों को पाक रूह मिले। हम कब तक पुरानी जिंदगी गुजारते रहेंगे, हम कब तक गोरों का इंतजार करते रहेंगे। ये खिदमत तो हमारी है, जितने हमारे पास मन सारी सारी रात गोरा ढूंढने में लगाते हैं, अगर वो वक्त दुआ में ठहरे तो हमें गोरे पुराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जरूरत है कि हम उनके मुल्कों में जाए, उनको तो आपको पूछता नहीं या उनके पल्ले पे हो जाती है। तो मैं और आप, मैं ज्यादा सच्चाई की बात करता हूँ, कोई मुझसे नाराज हो या कैसे भी है, लेकिन हम कहते हैं क्रूसेड, मैं कहता हूँ कि क्रूसेड माफिया है। वो आते हैं और खाना भी खिलाते हैं, पासवानों के बच्चे भी लगा देते हैं, पासवानों को खुश कर देते हैं, फिर आपस में बांटते कितना पैसा बचा, तो उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है। तो खुदावंद खुदा चाहता है कि हम अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करें जहां आपकी, यानी सारे जो रात को भी नजर आ रहे होते लेकिन कोई देखने वाली आंखें हों। आज भी खुदा के खादमीन जो कि छोटे छोटे हैं, वो रूह से भरे हुए हैं, देखने वाली आंखें होनी।
हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हम छोटे लोगों की परवाह नहीं करते, हम तो बड़े बड़े चर्चेस में जाना पसंद करते, अच्छी बात है। लेकिन खुदा ये चाहता है कि मैं और आप इस कलाम में से कुछ सीख रहे हैं। पहला पार्ट मैंने बताया कि बगैर इसके हम आसमान पर नहीं जा सकते, और आसमान पर जाना है तो फिर इसकी हमें नए सिरे से पैदाइश की जरूरत है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, सिकंदर आजम की जब डेथ हुई तो वो बेइज्जती के दरवाजे पर जाके खतना कर रहा है, तो कहता है तू कौन है, या तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं सिकंदर आजम हूँ। कहना अच्छा तेरा ये इस तरह पर लेफ्ट साइड पर चला जा, समझे आप मेरा मतलब। तो नाम हमें नहीं बचाएगा, रैंक हमें नहीं बचाएगा, दौलत हमें नहीं बचाएगी। आज मैं कहता हूं कि दौलत अगर का कोई सही इस्तेमाल है, अगर खुदा हम सहबे जायदाद हैं तो दिल खोल कर खुदा के लिए इस्तेमाल हालेलुया। मैं हाथ नहीं कहता हाथ उठाएं, अगर हम में से कोई दाय की नहीं दे रहा तो मैं और आप इस बात को पल्ले बांध ले, हमारी जिंदगी का पता नहीं किस गली में हमारी शाम हो जाए। आज हम अहद करें कि ये पैसा सानवी हैसियत रखता है, इसके साथ हम आसमान पे नहीं जा सकते। हम आसमान पर एक ही वजह से कि मोर से जा सकते हैं, वो पाक रूह और खुदा का रूह अब जमीन पे ठहरा हुआ। चारों कोनों से चार फरिश्ते हैं, मकाशवा सात बाब की पहली चार आयत में बता रहा हूँ, मकाशवा रेवोल्यूशन चैप्टर 4 फर्स्ट 7 वर्सेस में आपको बता रहा हूँ। और उनको कहा कि ठहरे रहो जब तक मैं अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लूं। प्लीज आप लोग क्या कर रहे हैं, जब तक मैं अपने खुदा के उस वक्त जब रूल को नाजिल हुआ है पाक रूह ठहरा हुआ है। पुराने में रूल कुदस आता था और खास खास लोगों पे आता था, सब कौमों पे नहीं आता था, कौम पर इसराइल पे आता, कौम पर इसराइल भी सब पे नहीं आता था, बल्कि खास खास लोगों पर आता था। और जैसे शमा या उस पे समसून पर नाजिल होगा और उसके बाद वो चला गया, इस तरह बेशुमार आवाज आते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, स्पीड में इख्तियार कर रहा हूँ ताकि मैं मजमून को खत्म करने के काबिल हो सकूं। कलाम को हम समझ नहीं सकते, पहला करंथियों 2 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है कि खुदा का रूह तय की बातों बल्कि सब बातों को जान लेता है। हवाला डाल दें आप फर्स्ट करंथियों चैप्टर 2 वर्स नंबर 10, अगर आपको डालने में देर लगती है तो पहले हवाला लिख लिया करें, बाद में डाल दिया करें। लेकिन हम हाँ लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। तो खुदा का रूह है कलाम को समझने हमारी मदद करता है। अभी हमने यूहन्ना 14 बाब 26 आयत में पढ़ा था, वो आएगा पाक रूह तो वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। नंबर 3, कलाम की गवाही देने के लिए वो हमें बुलाता है, इसके बगैर हम कलाम नहीं सुना सकते। इमाल पहला बाब उसकी 8 आयत में क्या लिखा है, जब रूह कुदस नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम से शुरू करोगे, यहूदिया में जाओगे, यहूदिया के बाद सामरिया में जाओगे, सामरिया के बाद तुम जमीन की इंतहा तक तुम जाओगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूह कुदस के बगैर हम मुनादी नहीं कर रहे, चाहे वो प्रोफेसर हो वो अपने इलम से, तो अगर हम किसी वकील को भी रेफरेंस बाइबल दे दे तो वो 15-20 मिनट तो कलाम सुना सकता है। यार इसका मतलब ये है, लेकिन उस कलाम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग रूहें उसी कलाम से और उसी कलाम से लगती है जब पाक रूह मिला हो। तो अभी चल के मैं आगे इस सवाल को बताऊंगा कि कौन से कलाम से चोट लगती है। और इसके बगैर जो है हम शफायती दुआ कर नहीं सकते, इंटरसेसरी प्रेयर शफायती दुआ मुमकिन नहीं है। रूमियो 8 बाब उसकी 26 आयत लिखा है कि जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए वैसे तो हमें दुआ करनी नहीं आती, लेकिन रूह हमारी रूह के साथ, निकाल के पढ़ ले देख ले, रूह हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करता है। मैं अक्ल से भी गाऊंगा और रूह से भी गाऊंगा, अक्ल से दुआ करना दलाइल से दुआ करना है, और रूह से दुआ करना रूह कुदस से यार जबान में दुआ करना कहलाता है। तो बाद औकात में इस कदर 19 में होता हूँ और मैं गैर जबानों में दुआ कर रहा होता हूँ, और उस वक्त मेरे सामने ऐसे चेहरे आते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं होता, और खुदा उनके लिए आहें भर भर के दुआ कर रहा होता है, पता नहीं वो दुनिया के किस कोने में होती है। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि मैं सुबह 4-5 बजे या 4 बजे उठ के दुआ डालता हूँ, 6 बजे से पहले पहले मैं दुआ प्रेयर उसमें डाल देता हूँ हीलिंग पेज पे, तो आप वो जरूर सुना करें, मेरे जिनके पास ये पेज है, तो नहीं है तो आप उसको सैम आप कर देगा, प्रिस्क्राइब कर देगा, तो उसको आप सुना करें। तो अब हम देखते हैं मैंने कितने पॉइंट आप लोगों को बताए, भूल तो नहीं गए,
शफा की दुआ नहीं कर सकते। हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ कोई नहीं है। हम मसीही तो कहलाते हैं लेकिन मसीह के नहीं। कोई हवाला बताएं, रूमियो 8:9, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। रूमियो 8:9 उसकी ना भी है। मे बी वी आर कॉल्ड क्रिश्चियन, मे बी दैट इज बाय नेम। हमारी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, हमारी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए, हमें बदलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे, आप देख लीजिए किसी का सवाल नहीं है। साथ साथ रूल कुदस के असूल का तरीका, नंबर 1, तोबा और गुनाहों की मुआफी। जब हम तोबा करते हैं, अपने गुनाहों से तोबा करते हैं, तो हमें पाक रूह मिलता है। इमाल 2:36 लिखा के पहले दिन जो है दो जमातों को पाक रूह मिला था। तवज्जो फरमाएं, 120 की जमात को, फिर 3,000 की जमात। 3,000 की जमात जो है 12 ममालक से लोग आए हुए, उनको पाक रूह मिला। और इनके मैं सारे आपको बता, जगह भी बता सकता हूँ, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि किन के इलाकों से लोग आए और वहां कलाम पहुंच चुका था। तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि कैसे पाक रूह में मिलता है। नंबर 1, जब लिखा कि जब वो कलाम करने लगा तो लोगों के दिलों पे चोट लगी। तो चोट कब लगती है, किस कलाम से लगती है? जो रूह कुदस के वसीला से सुनाया जाता है, ऑर्डिनरी रवायती मस्जिद से नहीं। आज जरूरत है कि रूह कुदस के पैगामात सलीब से बहते हुए धारे से लोगों तक सुनाए जाए, ताकि लोगों के दिलों पे चोट लगे। जमीने पहुंच सकते हैं, वो खुदा की तरफ आना नहीं चाहते। हमारे घराने दुख तकलीफों में पड़े हुए हैं। खुदावंद खुदा चाहता है हम बदल जाएं और अपने घराने को बदलने का वसीला बने। तो मैंने दूसरा पॉइंट बताया, रूल कुदस के असूल का तरीका, नंबर 1 तौबा और गुनाहों की माफी, और हमारे अंदर आरजू होनी चाहिए। नंबर 2, ऐसी जबरदस्ती का कारण आरजू नहीं, आपको पात्र हासिल करने की, तो पात्र नहीं मिलेगा। आपके अंदर भूख प्यास होनी चाहिए। आप पढ़ें गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 7:37, ईद के आखिरी दिन लिखा है, खुदावन ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, 6 दिन तक कहता रहा कि बंदे के पुत्र बन जाओ, लेकिन ईद के आखिरी दिन लिखा बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, पढ़ देता देख रहे वाला। तो बुलंद आवाज से क्यों कहा था? कि हर तक यीशु की आवाज पहुंच। तो मैंने भी पूरा जोर ला के बताया था कि जो फेसबुक पे सुन रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, इनके आखिरी दिन खुदावन ने कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर। हार खुश्क जमीन में, प्यासी जमीन में, जब हम प्यासी जमीन बन जाते, कैसी प्यास हरनी, जैसे हरनी नालों को तरसती है, कैसी प्यास जैसे हाजरा अपने लखते जिगर के लिए तड़पती है, ऐसी प्यास जैसे अमीर शख्स जो है उसमें जहन्नम में एक कतरे के लिए तरस रहा है। मैं जब प्यास की बात कर रहा हूँ, ये कुछ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम बैठे तो हुए हैं लेकिन हमारे अंदर प्यास नहीं है, हम उस मकाम पे नहीं है। काश के मेरे पास वक्त, ये तो मजमून वो है, बड़ा मजमून है, लेकिन मैंने शॉर्ट करके बताया है। आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये छठा पॉइंट बता रहा हूँ, छठे का तीसरा हिस्सा, कैसे पात्रों हासिल करना है। हमें मांगने से पात्रों मिलता है। लुका 11:13 की आयत पढ़ दें, एक वाला पढ़ दें, ताकि जब तो बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को फरमाएं, दोबारा से, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। हाँ, क्या लिखा जी, जब तुम बुरे होकर अपने कोई भी बच्चा बाप अंडा मांग तो शाम तो नहीं देते। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो जब तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें अच्छी चीजें क्यों करूंगा। तो अच्छी चीज खुदा के पास भेजा था, उसके बाद रूह कुदस, तो दोनों उसने बख्शी। अभी अब हमारी बारी है कि हम रात के पैरों में बसते दुआ बयान करें, आंसुओं से दुआ करें, हमारा जीवन बदल जाए, हम खुद बदल जाए, बदला हुआ आदमी दूसरों को बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसमें बहुत गहरा पॉइंट है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। किन किन मुकद्दस हस्तियों ने, 7वां पॉइंट, किन किन मुकद्दस हस्तियों को पाकरू मिला जा। मैं सबसे पहले बता, ये सवाल समझिए कि किन किन हस्तियां, जो कौन कौन सी हस्तियां थी जिनको हम मोतबर हस्तियां कहते हैं, उनको पाकरू मिला। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को पाकरू मिला। कहां पता चलता है? यूहन्ना बपतिस्मा, कहां पर? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस पानी का बपतिस्मा यूहन्ना सिपाही ने दिया था। रूल कुदस का बपतिस्मा उसके बाद है। पहला बाप यूहन्ना 3:16 उसकी 16वीं आयत, मत्ती 3:16, सॉरी मत्ती 3:16 उसकी 16वीं आयत, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू 3:16।